वैसे तो YouTube पर अर्निंग के कई सारे सोर्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक होता है ज्वाइन बटन। जब दोस्तों कोई भी पर्सन आपको ज्वाइन करेगा तो उसका 70% आपको मिलता है और 30% YouTube को मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि ज्वाइन बटन को अपने चैनल पर कैसे एक्टिवेट करें? क्योंकि दोस्तों 2017 में इसका प्रोसीजर कुछ और था, 18 में कुछ और, 19 में कुछ और 2020 में जो बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है इसमें इसका प्रोसीजर चेंज हो गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ज्वाइन बटन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपने चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं मुहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल टेक हेल्पर हुसैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, इससे मेरी आने वाली हर नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और अपने चैनल को यहाँ ओपन कर लेना है बीटा स्टूडियो में। उसके बाद आपको सिंपली क्लिक करना है मोनेटाइजेशन पर। उसके बाद जैसे आप मोनेटाइजेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मेरे चैनल पर ओवरव्यू है, मर्चेंडाइज है और मेंबरशिप और सुपर्स। तो फिलहाल अगर हमको ज्वाइन बटन को जो है अप्लाई करना है उसके लिए हम करेंगे मेंबरशिप पर क्लिक। जैसे ही हम मेंबरशिप पर क्लिक करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन भी मिल सकता है, तो सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहला स्टेप है यहाँ पर एड लेवल्स एंड पर्क्स, यानी यहाँ पर आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन देनी होगी, यानी जो भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे उसमें आप उनको क्या क्या टिप्स और क्या सॉल्यूशन दोगे। तो यहाँ पर फिलहाल मैं करता हूँ एडिट पर क्लिक। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आता है हाउ इट वर्क्स और उसकी पूरी वीडियो यहाँ पर दी हुई है, आप इनको देख सकते हैं या फिर जो है आप यहाँ पर अपनी एक पर्क क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैं आप बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है टिप्स एंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी एक पर्क का नाम देना है, मैंने यहाँ पे टिप्स एंड सॉल्यूशन दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है मंथली प्राइस। मंथली प्राइस पर आपको क्लिक कर जो भी प्राइस आप रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। 159 नॉर्मल प्राइस है, मैंने फिलहाल 159 को ही चूज किया है। उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है यहाँ पर इंडिया, यहाँ पे आपको अपनी कंट्री को कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद आती है पर्क, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है आपको देखने को मिलेगा मेरी पर्क में जो जो मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आता है टाइटल, तो दोस्तों टाइटल में मैंने यहाँ पे दिया है गेट द कॉल फ्रॉम मी इफ यू नीड टू टाइम्स इन अ मंथ, अगर आपको कभी भी जरूरत होगी तो एक महीने में मैं दो बार आपको कॉल करूंगा। तो यहां पर आप जो भी आपको अच्छा लगे वो यहां पे दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा है वो है पुट योर क्वेश्चन क्वेरीज ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम एंड द गेट, यानी यहां पर जो है मैंने इसमें बताया है कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसको लाइव स्ट्रीम में उसको सॉल्व करूंगा या फिर अपने आने वाली कमेंट बॉक्स की वीडियो में भी मैं उनको बताऊंगा। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन दे देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आते हैं इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप किस चीज़ में उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। तो मैंने यहाँ पर उनको बताया है कि मीनिंग ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प, यानी कि मदद और सपोर्ट का मतलब ये है कि आई विल गिव टिप्स सॉल्यूशन फॉर योर हेल्थ ओनली, यानी मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ही क्वेरी करूंगा, उनको सॉल्व करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देना है। जो आपको यहाँ पे जो डालना है वो आप डाल सकते हैं, चाहे अपनी मर्जी से डालें या फिर जैसा मैंने डाला है वैसा डालें, आप उसको चूज कर लें। उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा, यानी जब उसको YouTube अप्रूव कर लेगा तो यहाँ अप्रूव्ड ये लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है अपलोड बडेट्स एंड इमोजी। दोस्तों यहाँ पर आप चाहें तो खुद की बडेट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये रहा यहाँ पे ऑप्शन अपलोड माई ऑन,
या फिर आप जो इसी की हैं जो YouTube ने दी हुई हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा और सेव पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो है एड वीडियोज़ डैट इनकरेज फैंस टू ज्वाइन, यानी कि जब भी कोई ज्वाइन बटन पर क्लिक करेगा, आपकी वीडियोस को पढ़ेगा, आपके इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन टाइटल्स को पढ़ेगा, साथ ही आप एक वीडियो भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे चैनल पर या मेरे इस चैनल पर ज्वाइन बटन अवेलेबल है, आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चन होगा मैं उनको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक इंट्रो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक इंट्रो पहले से ही अपलोड किया हुआ है और इसके बाद दोस्तों यहाँ हम कर देंगे नेक्स्ट पे क्लिक, तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों चौथा ऑप्शन है पोस्ट टू वेलकम न्यू मेंबर्स। यहाँ पर दोस्तों आपको एक पोस्ट क्रिएट करनी होगी, यानी जब आपका ज्वाइन बटन मिल जाता है तो आपको अपने सब्सक्राइबर्स को अपने व्यूवर्स को बताना होगा कि भाई मुझको ज्वाइन बटन मिल गया है। उसके लिए आप पिक्सल लैब वगैरह से एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं जो 1x1 का होगा, उसको क्रिएट करके आप इसको यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर सिंपली करना है आपको एडिट पे क्लिक। एडिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा जिसमें आपको उसको ऐड करना है। देखिए यहाँ पे जैसे ये आ रहा है क्रिएट अनोदर पोस्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही एक जो है अपलोड कर दिया है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड यूर मेंबर्स ओनली पोस्ट, यानी कि जैसे हम अपने कम्युनिटी टैब में किसी भी पोस्ट को करते हैं सेम वैसे ही आपको यहां पर एक पोस्ट करनी होगी। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं, क्रिएट अनोदर पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो एक नई टैब में ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने चैनल के साथ ये देखने को मिलेगा, ये मेरे चैनल का नाम है हुसैन हेल्थ केयर, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड टिप्स जो है शेयर करता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आती है विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी में आप यहाँ पे ऑल पेड मेंबर्स को ही जो है रखेंगे, या फिर आप पब्लिक करना चाहते हैं तो पब्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप वही पोस्ट करें जो आपके पेड मेंबर्स यानी जिन्होंने आपको ज्वाइन किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल पेड मेंबर्स पे क्लिक। उसके बाद यहाँ पे देखिए वीडियो पॉल और इमेज सेम वैसा ही है जैसा हमारा कम्युनिटी टैब में होता है। उसके बाद किसी भी एक वीडियो पॉल या इमेज को आप सिलेक्ट करके पोस्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं करता हूँ इमेज पे क्लिक। उसके बाद आ जाता है सिलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो आपकी हार्ड डिस्क होगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फिलहाल मैं जो है इस डिस्क से एक इमेज को कर लेता हूँ सिलेक्ट। जैसा ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने पहले से ही बना रखा है, आप भी इसको बना सकते हैं पिक्सल लैब से। ये देखिए मैंने बना रखा है सब्सक्राइब अवर चैनल ज्वाइन अवर चैनल, तो इसको आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखिए ये यहाँ पे आ गया है, और इसकी आप रिपोजिशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, इसकी रिपोजिशन कर सकते हैं, या फिर आप इसको पोस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं इसको पोस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कैंसिल पे क्लिक। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये सब हो जाता है, आपको करना है डन पे क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 100% कंप्लीट, और आपको टर्न ऑन पर इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये आपके YouTube चैनल पर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी जब भी कोई भी मेंबर आपका या कोई भी व्यूअर्स आपका आपके चैनल को देखेगा तो आपके चैनल पर उसको सब्सक्राइब के बराबर में ही एक ज्वाइन बटन भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे आता है ये एनालिटिक्स, यहाँ पे आपके मेंबरशिप का रिवेन्यू वगैरह सब देखने को मिलेगा, करंट कितने हैं, लाइव मेंबर कितने हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपने मेंबरशिप का लिंक भी अपने फ्रेंड या फिर अपने व्यूअर्स को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने चैनल पर मेंबरशिप को एक्टिवेट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन को एक्टिवेट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे टिप्स आपसे शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल टेक हेल्पर हुसैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।